विदेश मंत्री एस जयशंकर और बीजेपी नेता जुगलजी ठाकुर गुजरात राज्यसभा की सीट से नामांकन भरने विधानसभा पहुंचे। अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा चुनाव में जीत से खाली हुई हैं सीटें। राज्यसभा चुनाव को लेकर गुजरात में माहौल गर्म। कांग्रेस ने घोषित किया अपने दो उम्मीदवार के नाम। गौरव पंड्या और चंद्रिका चुडासमा भरेंगे नामांकन। गुजरात की दूसरी सीट के लिए जुगलजी ठाकुर भरेंगे नामांकन। ठाकुर समाज के बड़े नेता हैं जुगलजी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को लेकर गुजरात कांग्रेस की याचिका खारिज की। राज्यसभा की दो सीटों पर अलग अलग वोटिंग के विरोध में थी याचिका। चुनाव आयोग ने दो सीटों पर अलग अलग चुनाव कराए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ठहराया सही। नियमों का दिया हवाला। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने आज लोकसभा में सांसद पद और गोपनीयता की शपथ ली। बांग्ला में शपथ के अंत में बोली, वंदे मातरम। প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করি আমি শ্রীমতী মিমি চক্রবর্তী। টিএমসি সাংসদ মিমি চক্রবর্তী নে ভি আজ সাংসদ পদ ও গোপনীয়তা কি লি শপথ। বাংলা ভাষা মে কিয়া শপথ গ্রহণ। আমি শ্রীমতী মিমি চক্রবর্তী লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি। टीएमसी सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती ने संसद में प्रवेश से पहले माटी को किया नमन। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। शाम 4 बजे लोकसभा को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी नेता मदन लाल सैनी को राज्यसभा में दी गई श्रद्धांजलि। 2 बजे तक स्थगित हुई कार्रवाई। आज सुबह होने वाली बीजेपी की संसदीय दल की बैठक रद्द। राज्यसभा सांसद मदन लाल सैनी के निधन की वजह से फैसला। राज्यों की वित्तीय हालत पर आज नीति आयोग जारी करेगा रिपोर्ट। पाकिस्तानी न्यूज चैनल में डिबेट के दौरान हुई मारपीट। सत्ताधारी पार्टी पीटीआई के नेता ने पत्रकार को मारा थप्पड़। बर्दाश्त नहीं, मैं भी करता हूँ तो बोल रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अमरनाथ यात्रा के बीच पीओके के लॉन्च पैड पर जुटा आतंकियों का कुनबा। 300 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ करने की रच रहे हैं साथ। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 11 नए आतंकी लॉन्च पैड किए तैयार। पुंछ और नौशेरा के पास 104 आतंकियों के मौजूद होने की खबर। पिछले 3 सालों में कश्मीर में मारे गए 733 आतंकी। 2019 में 113 आतंकी ढेर। गृह मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। कल 2 दिन के कश्मीर के दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री बनने के बाद पहला जम्मू कश्मीर दौरा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा समीक्षा करेंगे। कोलकाता में पकड़े गए आईएस के 4 संदिग्ध। गिरफ्त में आए 3 बांग्लादेशी और 1 भारतीय। झारखंड के सरायकेला में भीड़ तंत्र की हिंसा पर अब जागी सरकार। खबर दिखाए जाने के बाद अब तक 11 गिरफ्तार। जांच के लिए एसआईटी का गठन। 2 पुलिस वाले सस्पेंड। सोशल मीडिया में पिटाई का वीडियो वायरल होने पर गरमाया मामला। पीटने वाले ने लगवाए जय श्री राम और जय हनुमान के नारे। आज सरायकेला जाएगा कांग्रेस नेताओं का दल। मृतक तबरेज के परिवार से करेगा मुलाकात। प्रयागराज में भीड़ ने तोड़ा कानून। युवक का मुंह काला कर बिना कपड़ों के बाजार में घुमाया। पुलिस देखती रही तमाशा। नाबालिग लड़की से मुलाकात की मिली सजा। ओडिशा के मयूरभंज में भीड़ ने प्रेमी जोड़े पर किया अत्याचार। दोनों के बाल काटे। मारपीट का वीडियो वायरल। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ा झटका। पेरोल की अर्जी हो सकती है नामंजूर। खेती करने के लिए राम रहीम ने मांगी 1 महीने की पेरोल। लेकिन सिरसा जेल प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट में राम रहीम के पास खेती के लिए जमीन नहीं। हरियाणा सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट में कहा डेरे के पास 250 एकड़ जमीन, लेकिन जमीन के मालिकाना हक में राम रहीम का नाम नहीं। अच्छे व्यवहार के आधार पर जेल प्रशासन ने पेरोल की अर्जी को दी थी मंजूरी, लेकिन सिरसा प्रशासन की रिपोर्ट के बाद पेरोल हो सकती है कैंसिल। हरियाणा पुलिस की खुफिया रिपोर्ट में राम रहीम के पेरोल के हक में नहीं। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका। दिवंगत बीजेपी नेता मदन लाल सैनी को जयपुर में दी गई श्रद्धांजलि। सीएम अशोक गहलोत समेत पहुंचे बीजेपी के दिग्गज। दिल्ली में अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट पर रखी गई नर्सों ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के आवास पर दिया धरना। नौकरी नियमित करने की मांग। अपनी मांगों को लेकर कर्नाटक के मांड्या में किसानों ने किया प्रदर्शन। सिंचाई मंत्री की रोकी कार। मुजफ्फरपुर में निजी सुरक्षा गार्डों की बड़ी मांग। बलरामपुर में दिखा बारिश का कहर। 2 दर्जन गांव हुए जलमग्न। 15 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद आफत। सैलाब में फंसी गाड़ियां। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर। पानी में फंसी गाड़ियां। पेड़ों पर चढ़कर लोगों ने बचाई जान। 13 को किया गया रेस्क्यू। कुशीनगर में अंडरपास में फंसी स्कूली वैन। 13 बच्चों को किया गया रेस्क्यू। वैन की छत पर चढ़कर बच्चों ने बचाई जान। गांव वालों की मदद से वैन बाहर निकाली गई। एमपी में मॉनसून ने दी दस्तक। उज्जैन इंदौर क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी।
यूपी में फिर मौसम के कहर, दो दिन में बारिश और बिजली गिरने से अलग अलग हादसों में 17 की मौत होने घायल। मुरादाबाद में बरसात के बाद गर्मी से राहत, मगर जल भराव की बड़ी समस्या। यमुनोत्री हाईवे पर मलबा गिरने के चलते रास्ता बंद, जगह जगह दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे, गर्मी से मिली राहत। झारखंड के गढ़वा में खाई में गिरी बस, 6 यात्रियों की मौत, 39 घायल, को लाया गया अस्पताल। प्रयागराज में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों ने लगाया जाम। झालावाड़ के सेमली गांव में छेड़खानी पर बेटा बुजुर्ग, महिला ने की पिटाई। देवघर में पत्नी के अवैध संबंध के विरोध पर पति की हुई हत्या, पत्नी प्रेमी समेत 4 गिरफ्तार। हरियाणा के जींद में 70,000 में लाई गई दुल्हन फुर, पीड़ित युवक ने मुख्यमंत्री से की कार्रवाई की गुहार। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।